student, now today we are going to study more conceptual two terms. दो terms पे हम बात करेंगे जो कि rotational motion को strong बनाने के लिए use होगा. Very very important. उसमें से एक है torque और दूसरा है angular momentum. अभी पहले lecture में हमने देखा moment of inertia, फिर हमने देखा radius of gyration. पर ये दो चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है चैप्टर को समझने के लिए. तो फर्स्ट विल ट्राई टू कवर व्हाट इज टॉर्क एंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो ये पहला हम अच्छे से कवर करते हैं. तो अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से लिखना सारे पॉइंट्स, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू डेवलप द कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो चलो चालू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क. टॉर्क का मतलब है मोमेंट ऑफ फोर्स. एकदम इजी वे में टॉर्क का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, मोमेंट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है उसको मोमेंट आर्म बोलते हैं. एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, बिकॉज इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, अभी आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक डोर है, ठीक है, और ये यहां पे डोर पे ऐसे हिंजेस लगे, ठीक है बच्चों, और यहां पे हैंडल है और आपको ये डोर ओपन करना है. ओके, तो डोर को जब हम ओपन करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं. ठीक है, फोर्स लगा के डोर को ओपन करते हैं, पुल लिखा रहता है, पुश लिखा रहता है, बहुत सारे डोर पे आपने देखा रहेगा. सो व्हेन यू आर ओपनिंग डोर, ओके, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अप्लाइंग फोर्स, बराबर है. बट Is it only because of force door open हो रहा है कि सिर्फ force लगाने से door open होता है? नहीं, एक और चीज का भी जरूरत है और वो है axis से कितने distance पे आपने force लगाया है. Okay, axis पे कौन से distance पे आपने force लगाया है ये भी मायने रखता है, ये भी important है. मतलब अभी ये hinges है, यहाँ पे ये hinges मतलब ये axis है, इस axis के around ये दरवाजा खुलेगा. तो दरवाजा जब खुलेगा तो ये एक्सिस के अराउंड खुलेगा. तो आप कभी सोचो कि हैंडल ऐसे एंड में क्यों लगाया रहता है, क्योंकि दरवाजा खोलना बहुत आसान हो जाएगा. अगर यही हैंडल यहां पे लगा रहेगा, सोचो नियर द एक्सिस, और आप कितना भी फोर्स लगा रहे हो वो ओपन नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक्सिस के नजदीक है, अभी डिस्टेंस कम है और यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है. तो सिर्फ फोर्स लगाने से दरवाजा खुलता, मार्क माई वर्ड, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स इफ डोर इज ओपनिंग, तो अभी भी खुलना चाहिए था. मैं यहां पे एक्सिस के नजदीक अगर हैंडल लगा तो और खोलने का कोशिश करता हूं तो अभी भी खुलना चाहिए था, पर अभी तो नहीं खुल रहा है, अभी तो नहीं खुल रहा है. तो अभी अगर नहीं खुल रहा है मतलब यहां पे बच्चों जो फोर्स लग रहा है वो इतना इनफ नहीं है, कुछ थोड़े डिस्टेंस पे लगाना चाहिए. तो ये जो दरवाजा खुलता है वो फोर्स और एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म. क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट आर्म. इसके वजह से दरवाजा खुलता है. ठीक है, तो फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स भी लगा रहा है और एक्सिस से कुछ डिस्टेंस भी लग रहा है, ये दोनों के इफेक्ट से दरवाजा खुलता है और उसको हम बोलते हैं टॉर्क. बेसिकली टॉर्क का सिंबल है टाउ. टॉर्क का सिंबल क्या है, टाउ, और इसको बोलते हैं टॉर्क. मतलब टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट. ठीक है, टॉर्क का मतलब क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट. ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखो कि टॉर्क मतलब बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क. तो रोटेशनल मोशन करने के लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ता है और लीनियर मोशन करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है. सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर ये पेन है, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये पेन एक तरफ जाएगा, पर अगर मैं टॉर्क लगाऊंगा और एक एक एक्सिस के अलोंग में अगर फोर्स लगा रहा हूं कुछ डिस्टेंस पे
तो ये रोटेट होगा. सपोज ये एक्सिस है और मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो ये रोटेट होगा. देखो तो बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ रहा है. एक फोर्स लगाने से भी खुलते, कभी कभी दो फोर्स लगाने पड़ते. ओके तो ये भी एक याद रखो, टॉर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज, टॉर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ कपल. ठीक है, तो टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं या फिर मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक्सिस है. क्या है ये बच्चों? एक्सिस. तो ये रॉड है और ये रॉड पे ये एक्सिस फिक्स है. सोचो मैंने एक फोर्स यहां लगाया एफ और दूसरा अपोजिट फोर्स यहां लगाया एफ, तो ये दो फोर्स लगाएगा तो भी ये क्या होने वाला है? घूमने वाला है अबाउट द एक्सिस. ओके तो याद रखो दो फोर्स कुछ डिस्टेंस पे लग रहे हैं, बॉडी में दो फोर्स लग रहे हैं. बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहे, दोनों फोर्स अपोजिट है, दोनों फोर्स अपोजिट है. तो ये बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स अपोजिट है, एक ही पॉइंट पे लगते तो वो क्या हो जाते थे? कैंसिल हो जाते थे. बट वो कुछ डिस्टेंस पे लगे, एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है. तो ऑन दिस बॉडी हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? टू. ओके, एक फोर्स यहां लगा है, एक फोर्स यहां लगा है. तो ये दोनों फोर्स से रोटेशनल मोशन आएगा, बॉडी में एक टर्निंग इफेक्ट आएगा, उसको भी हम टॉर्क बोलते हैं. टर्निंग इफेक्ट को बेसिकली टॉर्क बोलते हैं और उसका फॉर्मूला है वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला याद रखो, ये एक फॉर्मूला याद रखो. गारंटेडली अगर आप ये साइन निकाल दोगे क्रॉस प्रोडक्ट का तो इट इज आर एफ साइन थीटा. और थीटा क्या है? आर और एफ के बीच में जो एंगल हो रहा है उसको थीटा बोलते हैं. ठीक है, आर और एफ के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा. द एंगल बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स जहां पे लग रहे हैं उसको हम थीटा बोलते हैं. ठीक है, तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैंने दोनों चीज बताया, एक बताया मोमेंट ऑफ, एक बताया मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स और दूसरा बताया मोमेंट ऑफ कपल. तो एकदम सिंपल वे में याद रखो, एक फोर्स रहेगा तो भी वो क्या बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दो फोर्स भी बनेंगे. एक फोर्स से जब टर्निंग इफेक्ट बनता है तो उसको मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क. फॉर्मूला क्या? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. गलती से भी एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा. आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है और फॉर्मूला क्या आएगा? आर एफ साइन थीटा. ठीक है, अभी ये दो फोर्स लग रहे ओके कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उसके वजह से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आएगा. इमेजिन करो आप जो टैप रहता है, नल रहता है घर पे, उसको खोल रहे, तो आपने दो फोर्स लगाए, यू कैन सी देयर आर टू फोर्स, और आप ये दोनों फोर्स से उस नल को खोल रहे हो, मतलब उसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो वो दो फोर्स लगा रहे. आप ड्राइविंग कर रहे हो, वो दो फोर्स है. आप साइकिल का हैंडल मूव कर रहे हो, ठीक है, तो ये आगे जाएगा तो ये पीछे आएगा, ये आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा, तो ये सब कपल है. ओके, तो उसका फॉर्मूला है वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो फॉर्मूला बनेगा एफ इंटू आर. ओके, और यहां पे ये जो आर है मोमेंटम, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये मोमेंटम मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब है एक्सिस के, एक्सिस से जो डिस्टेंस है, और यहां पे दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है. तो दोनों फॉर्मूला में फर्क देखो, इधर क्या ले रहा है अपन? आर जो है इट इज मोमेंट आर्म, मतलब एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको मोमेंट आर्म बोलते हैं, और यहां पे जो आर मैंने लिया है वो दो फोर्स के बीच का डिस्टेंस है. तो ये भी आप डिराइव कर सकते हो, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है. ठीक है.